हमारे साथ है इमरान और वो हमारे लिए कुछ स्पेशल कर रहे हैं, क्रिसमस ट्री को सजा रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि वो कितना ये पसंद करते हैं। वेलकम टू जूम। थैंक यू सो मच। सो इस ट्री को यू नो पूरी तरह से प्रिपेयर करना कितना पसंद है आपको? ये वैसे हमारे घर में हर हर हॉलीडे मनाते हैं, बिकॉज वी आर अ मल्टी कल्चरल हाउस। ओके। चाहे वो ईद हो, दिवाली हो, क्रिसमस, एवरीथिंग। सो एवरी ईयर दिवाली टाइम पे हम दिया लगाते हैं घर पे, और क्रिसमस टाइम पे क्रिसमस ट्री लगाते हैं अपने घर में और उसे सजाते हैं। वैसे ये इंटरव्यू ख़त्म करके मैं खुद अपने घर जाके क्रिसमस ट्री सजाने वाला हूँ, बिकॉज वी जस्ट पुट इट आउट इन द मॉर्निंग बट आई डिडन हैव टाइम टू डेकोरेट। सो नाउ आई विल सिट विद मॉम अवंतिका एंड ऑल एंड वी विल डू दैट। ओके। यू नो ये बहुत कलरफुल फेस्टिवल होता है, काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में नई चीज़ें, क्योंकि न्यू ईयर आता है तो लोगों की मतलब यू नो उम्मीदें बढ़ जाती हैं आने वाले साल से। आप किस तरीके से इस बात को देखते हैं? मैं ऐसी उम्मीदों को ज़्यादा नहीं देखता हूँ। आई लाइक द फैक्ट कि चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, उस फेस्टिवल का मतलब यह है कि आप अपने ख़ानदान वाले, अपने फैमिली और अपने दोस्तों के साथ मनाएं। सब आपके घर में आके बैठते हैं, खाना खाते हैं, एंड यू सेलिब्रेट टुगेदर। इट्स अ टाइम वे यू हैव टू स्पेंड विद द पीपल हू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट यू। मुझे ये बात बहुत पसंद है। ओके। और अच्छा, ये ट्री जो हम सजा रहे हैं इसकी हम बात करें तो कौन सी वो चीज़ है? सजा रही हैं? बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आपसे ही हम पूरी मेहनत करवा रहे हैं। I'm very disappointed, ना? मुझे लगा कि आप अच्छा नहीं, मैं आप अगर नहीं आप disappoint बिल्कुल मत होइए, मैं भी कुछ ये very good कुछ help करती हूँ। I hope मैं इसमें success हो जाऊँ। देखो star लग गया, और कुछ मदद करती हूँ मैं आपकी। आप कितना 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 help करता है, कौन किस तरीके से contribute करता है घर पे? घर पे हम तीन ही तो हैं। ओके। मैं, अवंतिका और मॉम। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपका होता है कि अवंतिका? सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वैसे अवंतिका का होता है, क्योंकि मैं घर पे बहुत कम रहता हूँ ना, तो डेकोरेशन वगैरह मैं ख़रीद नहीं पाता हूँ, क्रिसमस ट्री भी ख़रीद नहीं पाता हूँ। सो आई ट्राई कि मैं जितनी थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ क्रिसमस ट्री को सजाने में, उतना कर लूँ। और दर्शकों को द मोस्ट वर्क इज़ डन बाय माय मॉम एंड बाय अवंतिका। तो चलिए हम आपको थैंक्स कहेंगे और विश करेंगे कि आपका क्रिसमस और आपके न्यू ईयर में आपको बहुत सारी खुशियाँ मिले। थैंक यू सो मच।